सो हाय एवरीवन, सो गाइस आज हम लोग एक नेपाली मूवी जिसका नाम है यारसा, उस मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि हफ्ते भर पहले शायद से आ गया। बहुत बिजी शेड्यूल में था गाइस, रिएक्शन वीडियो शूट नहीं कर पाया। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई इसका ट्रेलर जो है एंड इसका जो स्टोरी है कुछ साइंस फिक्शन मूवी है, तो स्टोरी काफ़ी कमाल का जो इसमें दर्शाया गया है, विजुअल्स वो भी काफ़ी कमाल के बताए जा रहे हैं। हालांकि मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा ऑडियंस के साथ ही देखूं, तो लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, साइंस फिक्शन अगर मूवी होगा तो नेपाल के लिए मेरे हिसाब से उतना सूटेबल भी नहीं है, क्योंकि साइंस फिक्शन जो मूवी होता है उसमें हाई बजट चाहिए होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेपाल में उतना ज़्यादा बजट लगाया गया होगा। हालांकि देखने से ही लगेगा। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा मूवी है, लेकिन वो मैं देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा बताऊंगा, मुझे ख़राब लगेगा तो मैं ख़राब ही बोलूंगा, यानी कि बुरा ही बोलूंगा, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं क्या रहता है नहीं रहता है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने प्रेम वीर 3 को सपोर्ट किया, अगर आप ऐसे ही अच्छे कॉन्टेंट को सपोर्ट करते हो, चाहे मैं नहीं बोल रहा नेपाल का ही, सिर्फ कहीं का भी अच्छा कॉन्टेंट है, तो प्लीज़ पब्लिक का काम एक ही होता है, कॉन्टेंट इज किंग, सपोर्ट करो कॉन्टेंट को, आगे बढ़ाओ, जिससे कि इन फ्यूचर और भी बेहतर देखने को मिले। तो चलो बिना बकवास के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हाई एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वॉचिंग मनीष सोनकर। और एक बात, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, वहाँ पर मैं हर एक जो फास्ट अपडेट होता है, जो जल्दी से आपको बताना पड़ता है, सारा अपडेट वहाँ पे मिलता है। तो चलो गाइस, अब ट्रेलर आ चुका है एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है नहीं है। 3, 2, 1 स्टार्ट। OSR डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन। चलो हजार वर्ष पुरानो वाणी वीताल लोक में फेरी कर। वाओ, वीएफएक्स का भी यूज है क्या? यही संसार भित्र अर्को अलौकिक संसार रासतल पनि छ। भाई नेपाली आवाज में कुछ अच्छा उतना नहीं लग रहा। पुकार आउने छ त्रिताप ग्रन्थको रक्षक फहाजी। रासतल को यात्रा एकदम कठिन छ। अरे भाई हॉरर भी है इसमें तो यार, संभव छ। द मिथिकल स्टोन, मिस्ट्री भरा है ये मूवी यार। चारवाक्सले अर्हत्ता रोक्न हरेक मायावी अस्त्र शस्त्र अपनाउने छ। ओहो, विनाशकारी भाई लग रहा है, केजीएफ का संजय दत्त आ रहा है। आजीरले हजार वर्ष पहिले बिरेनबाट खोसेको जादुई ढुङ्गा त्यही गुफा भित्र कतै लुकेको छ। तर त्यो गुफाबाट अहिलेसम्म कुनै अरज जिउँदै फर्केको छैनन्। त्रिलोकको हरेक प्राणी फेरि छुट्नेछ, चाहे त्यो अरहत नै किन नहोस्। गुफामा के छ भन्नु? भन्ने के कुरा लुकाएर गयो के मसँग? चारवासले खोजेको कुरा तेरो दाइसको छ के? स्टोन वगैरह होगा, चीज नष्ट हुने छ, सारा चीज के बाँकी रहन्छ। एवल कहीं लग रहा है पुराना वाला रावण शाहरुख खान वाला, ऐसा ही कुछ थिंग्स। एक्शन भी है यार। फैंसर आखिर क्या थे जो गुफा भीतर? ओ भाई यार सा ये कुछ स्टोन बेसिस पे है। ओ भाई यो खत्म। सर्वे कर्म वशा वयम यार सा दी एंड। सो अब क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, मतलब कि मूवी का जो स्टोरी बोलो, मूवी का जो विजुअल्स बोलो, थोड़ा इन जो साइंस फिक्शन मूवी जो होता है ना गाइज, उसमें हाई बजट चाहिए होता है, मतलब सुनने में वो वाला फील नहीं आ रहा, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, सुनने में मतलब
लगना चाहिए कि वो मूवी देख रहा है। जैसे कि इस मूवी को ही हिंदी में अगर डब कर दिया जाए तो दोस्तों इस पे 4 चांद लग जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मूवी सारा कुछ ठीक है, ठीक है, उतना मैं खास नहीं बोल रहा, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन हाँ इसको हिंदी में डब कर दिया जाए, थोड़ा बजट और भी बढ़ा दिया जाए और भी थोड़ा मिस्ट्री इसमें डाल दिया जाए तो मूवी एक नंबर हो जाएगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। थोड़ा मूवी में हॉरर है, थोड़ा बहुत एक्शन है एंड थोड़ा बहुत एविल वाला जो फाइट होता है वो वाला है। थोड़ा लगता है कभी कभी कि हाँ रावण जीवन जो शाहरुख खान का मूवी था वैसा टाइप का थोड़ा फील दे देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बोलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, ये तक के लिए।